काफी है। माशाल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह करें अपने मुबारक हाथों से सीधे बेसम। भाई इधर कर, सॉरी। क्या हाल है? ठीक हो? मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक। और सुनाएं जी, सब खैरियत है? कुछ नहीं, ये वो है ना, आपको पता नहीं है, ये आसम की बात है ना। काला टीका लगाया हुआ है, नजर ना लगे। चलो ये बातें अच्छी होगी मेरी तरफ से, रोजों की तरावियों। नहीं, हम इधर नहीं लेते होते, उधर लेते वो होते तो आएंगे ना। आप कौन सा दिन चला गया हमारी तरफ से? न्यूट्रल नहीं, वो नहीं, तो आएंगे ना। आए, मुझे मुबारकबाद नहीं दिया आपने। वो तो आएंगे ना, वो तो खाएंगे ना, वो तो पिएंगे ना, फिर क्या करेंगे? आप सभी तैयार हुई हैं? हाँ जी, जब भी आप साथ में तैयार हो जाना तो। लेकिन हमने जी देखे, हम नंबर ले गए, सबसे पहले हमने घर घर जाके मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक इस टाइम तक कोई भी नहीं आया हमारे घर अभी तक। हाँ जी, अबू जान के, वो भी हमें ईद मुबारक दे के सोए हुए। हाँ जी, तो प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ये हमारे तीनों घर मुकम्मल हो चुके हैं। अभी चलते हैं महियुद्दीन भाई वालों के घर, उनको मुबारकबाद देते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है जी, सबको ईद मुबारक फिर से। बाय बाय। कुछ खाना पीना हो तो वो नहीं, वो खाने हो तो दे, मेहरबानी। वैसे ये भाई मांगता नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है। तो इंशाल्लाह खाने पीने का, देने का, लेने का, ये सब जो है ना, ये फिर और हम भी लोग बनाएंगे शाम के लिए। अभी फिलहाल जो है ना, ईद मुबारक देने आए हैं। बहुत शुक्रिया, ईद मिला नया जी। ठीक हो गई, ओके। अब ये बाबा और अम्मी सेवियां खा रही हैं। हाँ जी, अभी हमारा टाइम लग चुका है सिवैयों का। सुबह तो हमने दूध पिया था। हाँ जी, अभी जो है हम खा रहे हैं सिवैयां। तो जिस बहन भाई ने खाना है वो आके हमारे साथ खा सकते हैं। हाँ जी। कौन बैठ, कौन बैठ, कौन बैठ। और मुखलिस जो है ज्यादा मेरी जबान जो मुखलिस के लिए बात नहीं करती, क्योंकि वो नहीं बोल रहा। वो क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उसकी दाढ़ में जो है शदीद दर्द है, और ऊपर से वो मीठियां सिवैयां खा रहा है। वो कहता है मैं सिवैयां खा लूं, फिर जब मुझे टेबलेट खानी है तो कुछ सुकून आएगा, तो फिर आपके साथ ना बहुत सारी गप्पे लगाएगा, इतनी लगाएगा इतनी कि आपको ना क्या कर देगा, हैरान कर देगा। हाँ, और ऊपर से परेशान भी कर देगा, हैप्पी कर देगा। हाँ जी, प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है घर से निकल रहे हैं। किस मकसद के लिए निकल रहे हैं ये आपको पता लग रहा होगा, अंदाजा हो रहा होगा कि ये तो कहीं जा रहे हैं ईद मिलने के लिए। तो चलते हैं और हम किस चीज़ भाइयों और भाभियों से, अबू अम्मी से ईद मिलते हैं। हाँ जी, साथ ईद की खुशियाँ बहुत बहुत अच्छी होती हैं। सुबह सुबह हवा थी, ईद की नमाज जो पड़ी है उसके बाद जो है हवा अभी कम हो गई है, ना होने के बराबर हवा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं अकरम फैमिली, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब क्या कर रहे हैं? हाँ जी, चलें आ जाओ बेटा, मेहरान उनको देखो। खाने खाने का इंतजाम कर रही है, ये तो फास्ट है। हाँ जी, क्योंकि जैसे आपको पता है ना, मीठा बच्चे खाते नहीं है। ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, बहुत बहुत ईद की, रोजे की, पकाने की, खाने की, नमाजों की, हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आज खुशी का दिन है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई भाभियाँ सब मिलजुल के ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, क्यों दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह पाक का करम है कि हम सब जो है भाई भाभियाँ और हमारी अम्मी अबू एक साथ हैं। हाँ जी, हंसी खुशी जिंदगी हमारी,
नजर बाद से बचाए, ऐसे ही तमाम देखने वालों को अल्लाह पाक भी खुशियां नसीब। आमीन आमीन। क्योंकि मैंने सुबह जैसे आपको बताया था कि खीर रात को बनाया था, बच्चे कोई नहीं खीर पीते, तो सुबह जब उठे हैं तो कहने लगे हमें कोई और चीज बना कर दो, हमें कोई और चीज बना कर। यही बात है। तो मुझे बैठने नहीं दिया, मैंने कहा चल ठीक है। मैं ना वो रात को कटे का गोश्त लेकर आए थे ना, तो वही रखा था, मैंने कहा वही बना। मैंने भी बनाना है, मैंने कहा रात के 2 बजे गए थे गोश्त लेकर आए थे हम। तो भाई लेकर आए थे तो हमने फ्रिज में रख दिया था, तो अभी जो है मैं वो लेकर आई हूँ। गोश्त भी मैंने काट लिया है, अभी जो है कढ़ाई को मैंने मट्टी लगा के रख दिया, आग जला रही थी। मैंने कहा ये बना लूँ क्योंकि बच्चे टाइम पर खा लें, ऐसे भूख के ना सो जाए। बड़ा हो गया। अड़े हुआ है गया। ओ ख्याल से ख्याल से काटना पड़ेगा, ये उंगलियां इसकी काट जाएंगी। चला भी इसको जब ताल पे जे काटेंगे कैचे के। ये देखें, ये ना चाची की निकराज उठा के इसको काटते हैं। ठीक है ठीक है, चले जी चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह गोश्त हां जी आपके लिए रखा है। हम ऐसे थोड़ी खाएंगे, हम ऐसे खाने वाले नहीं हैं, हमको जैन भूत है, हम ऐसे भर के रखा हुआ है। जो भी आता है असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और नए अभी बनाने की तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ जी, भाभी से मिलकर आए हैं। कढ़ाई वगैरह जो वो अभी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही मसला है पेट वाला, बस वो मोशन वगैरह तो लगे हुए। गोश्त खाएंगे बिल्कुल, वो तो मुझे पता है ना, क्योंकि मैं जब भी मोशन लगते हैं ये कट्टे का गोश्त या बड़ा गोश्त जो भी मैं खा लूँ फिर सुकून आ जाता है। अच्छा तो हमारे के लिए कुछ खाना पिलाना भी, बोतल शोतल पिला देते हैं, ये कौन सी बात है? तो आने का मकसद तो यही है, लेकिन अगर मंगवानी है तो रहने दें। नहीं मंगवानी है, पड़ी हुई है, क्योंकि हमने ये सोचा हुआ है कि ये गोश्त वगैरह खाएंगे फिर उसके बाद तो वैसे ही बोतलें चलती रहती हैं, बाद में फिर चलेंगी ना फिर। तो अगर आपने अभी पीनी है तो वसीम बैठा है, अभी पैसे देते ले आएगा। नहीं नहीं, फिर दोबारा से कर लेंगे। चलो सही है, इंतजार करना हमारा, हम दोबारा से बोतल पीने आएंगे जरूर। मैं ताबेदार। ठीक हो गया, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ईद अच्छी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की मुबारकबाद भी नहीं देने दिया आपने, दे दिया बस खत्म। भाई हमारे नहीं है, भाई और भाभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया। चलें जी फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, पहले ना ये काट लें भैया, निकराज पड़ी है, निकराज वसीम और दूसरे कमरे में पड़ी होगी। ये ना बीबी का फिराक जो है वो अभी से ना ये गंदा, ये इसमें तारे होती है ना वो निकल रही हैं, तारे निकल रही है उसके ना पाँव में, फिर अटक जाती है। चलो जी जी। तो प्यारे बहन भाई, अभी अकरम भाई के यहाँ होकर अब जा रहे हैं, साहिबा मैडम के यहाँ जो मेरी छोटी सी सिस्टर है, दोनों उनके यहाँ जाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। और जो आपको खुशखबरी सुनाऊं, ये मेरी गंदम पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये मेरी गंदम है, मेरी किसी और की नहीं है। ये भी ईद खा के इसको भी तो वो ड्रम में डाल। हाँ जी, चलो देखना। चल बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक।
मैंने कहा चप्पी डाल रही हो, आपके कंधे पे हाथ रख दिया ऐसे डर गए। असलम खान सोने को आप झांसे में फंसा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तो सीधा हो जाओ, आहिस्ता आहिस्ता कुछ नहीं होता, आराम से। हाँ, बात करने का मजा तो आएगा ना। असलम खान सोना, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको नजर आबाद से बचाए। आमीन आमीन। खूबसूरत है। असल में मैंने इधर देखे ना, असल में मैंने अपना कैमरा ऐसे चलाया था ना, तो मैडम ने मौका देकर ना जब फिट डाल ली। इन्होंने कहा पहले, मैंने सबसे पहले आपको मुबारकबाद देनी है। मैंने कहा चलो दे दो, आपका असलम खान है सोना। आप असलम खान सोने को ईद मुबारक दे दी है, भाभी को ईद मुबारक दे दी है। अब ये हमें कोई बोतल शोतल पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे? तो पिलाएंगे ना। आज मैं आपको बोतल का जो है ट्रेंड चल रहा है भाई, हम जिसके पास जाएंगे बोतल पिलाएंगे। बोतल ले आओ जी, बोतल ले आओ। पैसे 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 भी ले जाए, नकद ले आए। बंदा बोल जाता है वो वाली वो मुखलिस को चाहिए। आपको पीना नहीं है, ऐसे दे दे हमारे काम आ जाए। पता है उसमें क्या चीज है? अच्छी बात है, पता है क्या चीज है। बस बैठ गए जी, बैठ गए। मैडम इधर आ जाए, बैठ जाए जी। हाँ जी, बोतल पीनी है। पी के जाएगा, आपको पता नहीं है। हाँ जी, मैं ना मिला भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बरदार साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। कैसे कैसी गुजरी है ईद? बहुत अच्छी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। मुबारक। खैर मुबारक। अभी तो गुजरी नहीं है, आपसे पहले बोलिए। बहुत अच्छी गुजरी है। अभी तो अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखें क्या क्या होता है। वो ना मैं ये बार कर रहा हूँ ना, सुबह से पढ़ पढ़ है, पढ़ 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 पढ़। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो नमाज पढ़ी है ये नमाज, तो फिर खीर पी है, सेवे खाया है, तो ये जो होगी होके तो अब आगे। हाँ जी, खीर भी पी लिया, सेवैया भी खा ली। हाँ जी, आगे ओके। यार मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। हाँ जी, मैंने सिर्फ दूध पिया है। हाँ जी, पढ़ पढ़ पढ़। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा सजावट करने से नुकसान होता है। मैंने सुल्ला लगा लेते ना, आपको कुछ भी नहीं। नहीं, सबको पिलाया, जो भी आया उसको पिलाया। असल बात पता है क्या है, रमजान में ना ठंडी चीजें खाते रहे हैं, मतलब हल्की फुल्की चीजें, लेकिन अब अचानक से जो है ना हैवी चीज डाल दी है। तो मैंने कहा नहीं, ये आगे बाईपास कर दिया, जो भी ऊपर से डाला आगे। हाँ जी, गुड माया गुड माया गुड माया। वाह जी वाह, ले आई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, माशाल्लाह बोतल डाली जा रही है। सबसे पहले जो है इतना डर है, नमक चाहिए। नमक डाल के पीते हैं, जो ये पीते हैं, जो ये पीते हैं। छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें हमारी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ईद का पहला दिन है, तो तमाम बहन भाइयों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और ढेरों खुशियाँ। मुबारक मुबारक। बच्चों आप भी कहो ना, अंकल आंटी बहन भाई सबको ईद मुबारक। चलो आप कहें, अंकल आंटी
भाई का बहुत मुबारक। हाँ, ईद मुबारक। बोलो तक्कर से बोलो, अब बीवी बोलो, बीवी आप भी मुबारक बात दो सबको, ईद मुबारक ऐसे बोलो, ऐसे बोल दो। ऊपर देखो सोने नहीं बाबा, फिर आपको खर्ची देते हैं, खर्ची। ईद की खर्ची लेनी है, ईदी लेनी है, कितना चाहिए? बहुत है। बहुत है। ऐसे करती है, बहुत चाहिए तो बोलो ना जी। चलो आप भी जो है बच्चों ने ईद नमाज जो है, जैसे मेहरान हो गया, मौजम खान हो गया, मुश्किल साहब हो गया, वो तो ईद नमाज अदा करके आ चुके थे। और वो ईद वाला चला गया है, तो देख रहे हैं ऑलरेडी आगे की बात, आगे बात कर रही हूँ ना, ईद नमाज का जो है वो हो गया था। ओके जी, तो अभी जो है होगी ये बच्चों की, ये बेटियां हैं जैसे, इनकी तैयारी वो भी रेडी हो चुकी है, इन्होंने खाना पीना भी खा लिया है, सब तैयार हो चुके हैं, सब रेडी तैयार हो चुके हैं। अभी जो है इनका टाइम आ गया है ईदी का, ईदी दे, ईदी कपड़े पहना दिए, खाना खिला दिया, सवैया खिला दिया, दूध पिला दिया, और उसके बाद असल चीज जो हमारी है वो तो दो। इनसे न पूछते हैं कि आपको कितना कितना खर्ची चाहिए। हाँ जी, पहले नंबर पे है जी मौजम अली खान अल मरूफ नंबरदार, आपको कितना खर्ची चाहिए? 1000। वो हाँ जी, दो बोलो, तीन बोलो, चार बोलो, पाँच बोलो, 5000। चलो ये अदा काफी है, माशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करें अपने मुबारक हाथों से, सीधे बिस्मिल्लाह। आपको ईद मिल गया, बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। और दूसरे नंबर पे मेहरान साहब, दूसरे नंबर पे मेहरान साहब, बहुत है 500 रुपए। और तीसरे नंबर पे है बीबी, 500 रुपए ठीक है जी। और जी चौथे नंबर पे है हो गया जी। उसके बाद जी मुझसे पूछे पापा ना बहुत चला, इसके बाद बहुत करते हैं, मैं लेना है यार, है नहीं गए। बोलो बोलो, ये सवेरा के ढोलू के बस मेरे काम गए, आप भी किसी की बेटी नहीं हूँ, जिसकी बेटी है बेटी है मुझसे ले रही है, बेटी उनसे लें, हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड वाइफ को नहीं देते, देते देते हैं नहीं, वो बात ही बात है। आपने बच्चों से बहन भाई देखिए कैसे पूछ रहा है, आपको कितनी खर्ची चाहिए, सब बच्चों से पूछा फिर खर्ची दी, मैं मांग रही हूँ फिर भी नहीं दे रहा, ये कंजूस आदमी। ये लो 1000 का आपके, और 1000 का है, 1000 से नंबरदार का काम करने का आपका काम नहीं बनेगा, वो मेरा बेटा, आप नहीं आएगी, आपके भाई दीदी देंगे, आपके अम्मा अब्बा देंगे, आपके देवर देंगे, अम्मी अब्बू आपके सास ससुर देंगे, अल्लाह की बंदी सब लोग देंगे, लेकिन आपसे लेनी है जो ईदी वो बहुत अहम है। यार मैं भी चेक करवा देता हूँ, आपको पता भी है कि मैं जो है ना, मुझे पता है कि हमेशा जो है खाली रखता हूँ, इसके अलावा देख रहे हैं तो ठीक है, खाली है, 1000 वाले हैं तो ले लें, 100 वाले हैं तो ले लें। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ईद दी है, यही बस काफी है, ये होती है, आपने 500 रुपए ले लिए, 1000 रुपए ले लिए, मेरे पास 10 वाले 30-40 रुपए जो घर के सरबराह होते हैं, बड़े होते हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, वो बच्चों की खातर खुद को भूखा भी रखते हैं, बच्चों की खातर खुद के कपड़े ना बने, जूते ना बने, लेकिन बच्चों के जरूर बनाते हैं, बनाते हैं। बच्चों की ईद के साथ ही उनकी ईद होती है, और माशाल्लाह जी ढोलो दे कपड़े आ गए हैं, ईद मुबारक, मसाद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हो, तबीयत ठीक है,
बात बंद करो बंद करो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक। वाह जी वाह, क्या सेवा दी आपकी। हां जी बहुत।